सरकार को चाहिए कि वो जहाँ ज़मीन नहीं है वो ज़मीन खरीदे। पर उत्तर प्रदेश में मैं जानता हूँ, उत्तर प्रदेश में आज भी ज़मीन है। ठीक है, किसी गांव में कम हो सकती, किसी गांव में ज़्यादा हो सकती है। मैं कम से कम पूर्वांचल के आपके जानता हूँ, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, चिंदौली, ये क्षेत्र जो है वहाँ हज़ारों एकड़ ज़मीन आज भी मौजूद है, जो कि सीलिंग की है, जो कि वन विभाग की है। वो ज़मीन उसका आवंटन नहीं किया गया। अब भाई उसको आप बांट दीजिए। अभी जो अम्बेडकर जन मोर्चा की मांगे हैं, खासकर एक एकड़ से, आप तो उत्तर प्रदेश में पुलिस अधिकारी रहे, यहीं आईपीएस रहे, आपको लगता है ये संभव है? देखिए, मांग तो बहुत उचित है, अब ज़मीन मिलती या नहीं मिलती वो एक अलग बात है, परंतु इतना तो है कि कम से कम जो भूमि विहीन है वो अपनी मांग लेकर इतनी बड़ी संख्या में खड़े तो हुए हैं, वो मांग तो कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि अगर ये जनदबाव और बढ़ेगा, जैसा आगे चुनाव आने वाला है, और अगर ये जनदबाव और बढ़ता है तो हो सकता है कि सरकार इस बीच में कुछ कर दे, कुछ करना शुरू कर दे, ऐसी मुझे उम्मीद है। एक लॉजिक दे रहे हैं लोग कि अगर रेलवे को सरकार जमीन खरीद के दे सकती है, फोर लेन को दे सकती है, तो हम गरीबों को क्यों नहीं? ये तो बात बिल्कुल सही है कि सरकार इतनी इतनी ज़मीन अक्वायर कर रही है, प्राइवेट इंडस्ट्रीज को दे रही है। रेलवे तो हम मान लिया चलो सरकारी है, परंतु आप प्राइवेट वालों को दे रहे हैं, आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना के कितने कितने हज़ारों हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है आप लेके वो लोगों को दे रहे हैं, जिस पे ना कोई इंडस्ट्री नहीं लगती, कुछ नहीं होता। तो इसीलिए सरकार को ये चाहिए कि वो ज़मीन खरीद के दे। ये बहुत से राज्यों ने किया है, तमिलनाडु में किया है, तेलंगाना ने किया है, आंध्र प्रदेश ने किया है। तमिलनाडु में तो 5-5 एकड़ ज़मीन देने की बात चल रही है। तो इसीलिए सरकार को चाहिए कि वो जहाँ ज़मीन नहीं है वो ज़मीन खरीदे। पर उत्तर प्रदेश में मैं जानता हूँ, उत्तर प्रदेश में आज भी ज़मीन है। ठीक है, किसी गांव में कम हो सकती, किसी गांव में ज़्यादा हो सकती है। मैं कम से कम पूर्वांचल के आपके जानता हूँ, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, चिंदौली, ये क्षेत्र जो है वहाँ हज़ारों एकड़ ज़मीन आज भी मौजूद है, जो कि सीलिंग की है, जो कि वन विभाग की है। वो ज़मीन उसका आवंटन नहीं किया गया। अब भाई उसको आप बांट दीजिए जहाँ। अच्छा, सबसे बड़ा जो ज़मीन का मुद्दा है, जिस पे सरकार को अब तक करना चाहिए था नहीं किया, जो वनाधिकार कानून बना था 2008 में लागू हुआ, जिसका बंटाधार मायावती ने किया कि उसने 80% दावे रद्द कर दिए और ज़मीन नहीं दी। उसके बाद हम लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कितनी बार जाके आदेश करवाए हैं। अगर सरकार ये चाहे, सरकार अब कर तो रही है पर बहुत धीमी गति से कर रही है, वो दबाव देख रही है कितना दबाव बन रहा है, तो हम लोग बराबर दबाव बना रहे हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार चाहे तो एक बहुत बड़ी संख्या को जो जंगल वाली ज़मीन है वो बांटी जा सकती है, उसमें कहीं से लाना नहीं है, वो ज़मीन पहले से उनके कब्जे में है, केवल उसको विधिवत उसका आवंटन करना है। जनज्वार, जनता की मीडिया।